हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सारिका गुप्ता व्लॉग्स में। 4 बजे सुबह से उठी हूँ, लेकिन नहाने वहाने में ना 5 बज चुके हैं। तो अभी 5 बज रहे हैं, सुबह के अर्ली मॉर्निंग है, बाहर बहुत अच्छा वेदर है और फ़िलहाल मुझे जल्दी से भागना होगा किचन। मैंने सोचा था सुबह 4 बजे से चालू कर दूँगी किचन में काम, क्योंकि शूट भी करना है आज, जो नाश्ता आदि के स्कूल के लिए बनाऊँगी, तो शूट करने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए सोची थी 4 बजे से स्टार्ट करूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। नहाने में और कपड़े वगैरह धोना था तो काफ़ी समय लग गया, 5 बज गए हैं। तो एनीवेज नहा के मैं रेडी हो गई हूँ और चलिए अब किचन में चलते हैं। आदि अभी भी सो ही रहा है, उसको बाद में उठाऊँगी, समय होगा जब स्कूल का। और नहा के आई हूँ ना अभी, और रूम में AC चल रहा है, आदि सो रहा है ना, तो ठंड लग रही है मुझे। तो चलिए मैं भागती हूँ किचन में और जल्दी जल्दी करती हूँ अपना काम, और आपको भी चलिए दिखाती हूँ आज क्या बन रहा है आदि के टिफ़िन के लिए, और फिर उसका शूट भी होगा कुकिंग चैनल के लिए। तो चलिए देखते हैं, किचन चलते हैं वरना देर हो जाएगी। तो लीजिए फैमिली, आ गई किचन में। ये कैमरा एडजस्ट कर रही थी, एक्चुअली शूट भी होगा ना कुकिंग चैनल में, इसकी रेसिपी आएगी उसी लिए। तो ये पनीर का एक ब्रेड के साथ प्रिपरेशन बना रही हूँ, पनीर वेज सब। और अभी जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक मेरे दूसरे चैनल पे तो रेसिपी आ ही गई होगी, क्योंकि ये आज ही, मतलब जब ये शूट हो रहा है जिस दिन, उसी दिन अपलोड हो जाएगा दोपहर को। तो जब आप लोग ये रेसिपी देख रहे होंगे व्लॉग में तब तक आ चुकी है। तो अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं देखा है तो जाके मेरे कुकिंग चैनल पर देख लीजिए। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है मिराकी पैशन ऑन प्लेट, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और यही रेसिपी आज बन रही थी। और फ्रेंड्स, आज तीज का व्रत भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से तीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ़ यू। मैं तो नहीं करती हूँ तीज, हाँ एक ज़माना था जब मैं करती थी, लेकिन खैर पुरानी बातें छोड़िए, अब तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, बताती हूँ ना, जो आंटी खाना वगैरह दे जाती हैं, तो वो आंटी की बेटी आई हुई है और उसकी पहली तीज है, क्योंकि अभी 1 साल हुआ नहीं है उसकी शादी को, तो पहली तीज उसकी है और वो यहीं से कर रही है। तो उससे मिलवाऊंगी आपको शाम को जब वो तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये रेसिपी मेरी इधर बन ही रही है, और ये रेसिपी बन जाए जल्दी जल्दी तब फिर आदि को जाके उठाऊंगी, स्कूल के लिए रेडी करूंगी उसको। उसने बोला था कि ये बना देना मम्मा, आज ले कर जाऊँगा, कभी कभार कुछ अच्छा बना देती हूँ उसके लिए। लेकिन दिक्कत ये रहती है ना, उसको लेके जाना है अगर ये सब, तो अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेके उसको जाना होता है, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा खाना ये सब लेके जाएगा ना, तो उसके फ्रेंड्स उससे छीन छीन के खा लेते हैं, और अगर मैं ज़्यादा नहीं दूंगी ना तो फिर उसको खुद को नहीं मिलता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम आंटी से बोलना, फिर से घर जाके खिला देगी तुमको, हम लोग को नहीं मिलता है, हम लोग खाएँगे। तो उसके फ्रेंड्स लोग उसका खा लेते हैं काफ़ी सारा, उसको बहुत थोड़ा मिलता है, तो फिर उस वो भूखा रह जाएगा ना, इसीलिए मैं ज़्यादा ही बना के देती हूँ थोड़ा। तो ये देखिए, वैसे तो मैं 1 या 2 पीस दे देती तो भी चलता, लेकिन उसके लिए 4 बनाऊंगी आज मैं ये पनीर वेज सब, ताकि वो भी खा सके, उसके फ्रेंड्स भी खा सके। और ऑलमोस्ट मेरा बनने को है, और साथ में शूट भी हुए जा रहा है, ट्राइपॉड में एक कैमरा लगा हुआ है, शूट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी काम करना रहता है ना, इसीलिए मैं आपसे अभी बातें, वॉइस ओवर जो है वो बाद में दे रही हूँ। और ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया स्टफ़ करके, अब बस इस पे चीज़ ग्रेट करके और इसे बेक कर लेंगे और हमारा नाश्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ आदि को भी मैंने उठा दिया है, क्योंकि समय हो जा रहा है अब, तो वो उठ के गया है वॉशरूम, वो नहा वहाँ के आ जाएगा, तब तक मैं चाय बना के तैयार कर लेती हूँ और फिर हम दोनों नाश्ता कर लेंगे और फिर आदि चला जाएगा अपने स्कूल। तो ये देखिए तैयार हो गया मेरा पनीर वेज सब बोलिए, या हॉट डॉग बोलिए, वेज हॉट डॉग कुछ भी बोल सकते हैं, नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है बनने के बाद, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए इस तरह से बन के तैयार भी हो गया। तो खैर आदि को भी नाश्ता करवा दी और साथ में उसकी टिफ़िन भी पैक कर दी, आदि जा चुका स्कूल, और ये देखिए मैं अपना नाश्ता ले कर बैठ गई हूँ। फैमिली, आदि को स्कूल भेज दी और सुबह के 9 बज चुके हैं, और मैं भी अब किचन का काम ख़त्म करके आ गई हूँ रूम में। अब जा रही हूँ शूट करना, तो हो गया, अब एडिट करूँगी, और क्योंकि दोपहर में फिर अपलोड भी करना है
ये कुकिंग चैनल पे रेसिपी जो आज शूट हुआ, तो इसको एडिट वगैरह करके मैं अपलोड करूँगी, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। अभी 1.5 से 2 घंटे मुझे लग जाएंगे इसको रेडी करने में, तैयार करने में इस वीडियो को। तो ये काम कर लेते हैं, और इसके बाद है ना फिर घर का खाना भी बनाना है, प्लस एक और कुकिंग वीडियो मुझे रेसिपी की शूट करनी होगी आज, क्योंकि कल है ना माँ के घर जाना है, माँ ने बुलाया है। तो कल माँ के घर, क्योंकि सुबह सुबह आदि को स्कूल भेजते ही चली जाऊँगी, तो इसीलिए कल जो वीडियो आएगा रेसिपी कुकिंग चैनल पे, वो कल तो नहीं बना पाऊँगी, तो एब्सेंट हो जाएगा, इसी वजह से आज ही उसको भी बना के रखूँगी। तो आज बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है काम का, मतलब अभी 2 घंटे एडिट करूँगी, इसके बाद फिर लंच बनाऊँगी अपना आदि का, और इसके बाद फिर एक कोई अच्छी सी रेसिपी बनाऊँगी, पनीर की बना लूँगी सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या करूँगी। तो एक पनीर की रेसिपी बना के वो हम लोग फिर रात को डिनर भी कर लेंगे और शूट भी हो जाएगा, यही सोच रही हूँ। तो फिर देखा जाए, उसको भी बनाना है, फिर उसको भी एडिट करना है, फिर अपलोड करना है रात में ही आज, और इसके बाद ये व्लॉगिंग चैनल का व्लॉग जो है वो तो बन ही रहा है, तो वो तो अपलोड रहेगा ही एडिट वेडिट करके। तो आज बहुत ज़्यादा काम है, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलने वाली है मुझे। तो चलिए फटाफट अपना काम शुरू करती हूँ और देखती हूँ कितना बच जाता है काम सब ख़त्म होने में। रात को आज बहुत लेट होने वाला है, मुझे पता है। और फैमिली, लंच भी बना लिया मैंने आज, सिंपल ही दाल चावल बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं, और लंच कर भी चुकी हूँ, दोपहर हो गई है, और अब देखिए आ गई हूँ अपनी सेकंड रेसिपी शूट करने के लिए। और इन द मीन टाइम मैं वो जो रेसिपी बनाई थी ना ब्रेड वाला, तो वो अपलोड भी कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। और दोपहर क्या, अभी समझिए शाम होने को है, 4:15 बज रहे हैं, और अभी मैं ये शूट कर रही हूँ, अभी फिर आदि भी आ जाएगा, फिर उसे भी करा दूँगी लंच, दाल चावल जो भी बनाई हूँ। और ये देखिए ये रेसिपी बन रही है, ये रेसिपी जो है ना वो कल आएगी, कल यानी कि जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उसी दिन सुबह व्लॉग देखेंगे आप लोग, और दोपहर तक ये रेसिपी चैनल पे आ जाएगी कुकिंग वाले। तो अगर आपको देखनी हो तो मेरा की पैशन ऑन प्लेट नाम है चैनल का, उसमें जाके देख लीजिएगा। तो फैमिली, फाइनली हो गया काम मेरा, मतलब जो सेकंड रेसिपी वो भी देखा आपने, बन गया कुकिंग चैनल के लिए, और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी चलिए आपको आज, क्योंकि तीज भी है, तो मेरी जो आंटी, जो आपको आंटी के बारे में बताती हूँ, तो आंटी की जो बेटी है वो यही मायके आई हुई है अभी, और उसने आज व्रत भी किया है, उसकी पहली तीज है, क्योंकि इसी साल उसकी शादी हुई थी तो पहली तीज है। तो चलिए उसके घर लेके चलते हैं, मतलब बगल में ही रूम है, वहाँ लेके चलते हैं, आपको आंटी से भी मिलवाती हूँ और रिचा से भी मिलवाती हूँ, और फिर दिखाती हूँ कि उसने पूजा करने के लिए ना बहुत अच्छे से सजा के रखा है सिंहासन पे, शिव जी को, शिव जी पार्वती माँ मूर्ति लगा के रखी है। तो चलिए वो सब आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए फैमिली, आ गई हूँ मैं आंटी के रूम में, और देखिए कितने अच्छे से सजा के पूजा की है रिचा ने, जो मेरी कज़िन है, उसका इस बार पहली तीज है उसकी। और देखिए शिव जी की मूर्ति बीच में रख के बहुत सुंदर से सजा के उसने पूजा की है। इतने दिनों से व्लॉगिंग कर रही हूँ, आज पहली बार आंटी के रूम में आई हूँ, व्लॉग्स बना रही हूँ, और देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और चलिए अब आपको रिचा से भी मिलवाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से तैयार हुई है, मेरी कज़िन है जो आंटी है ना, उन्हीं की बेटी है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और चलिए आपको अब आंटी से भी मिलवा देते हैं, आंटी से तो आप पहले भी मिल चुके हैं, तो ये देखिए आंटी और ये है रिचा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा थक गई, दिन भर काम की हूँ, और अभी भी बैठूँगी एडिटिंग करने के लिए, कल की रेसिपी जो आएगी ना वो पनीर वाला, उसका आधा एडिट हुआ है, आधा अभी भी बाकी है, तो उसको एडिट कंप्लीट करके उसको अपलोड करके शेड्यूल करूँगी दोपहर के लिए, और ये वाला जो अभी मैं शूट कर रही हूँ व्लॉगिंग चैनल के लिए, ये कल का व्लॉग, इसको भी एडिट करना होगा, फिर इसको सुबह 8 बजे के लिए शेड्यूल करके अपलोड कर दूँगी। तो अभी भी बहुत समय लगने वाला है, अब चलती हूँ, फिर मिलूँगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तो देखते रहे, कल तो माँ के घर भी जाना है, तो चलिए कल जो होगा वो कल का कल देखेंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। और आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।